हाय गाइस, हाय गाइस। Hi guys, what is up? So welcome back to our new video and today, और भैया आज हम आ चुके हैं सबसे ज्यादा फेमस जगह पे अपने शहर की, होरीलाल के समोसे। एक में मीठी चटनी, एक में खट्टी चटनी। समोसे तो मस्त लग रहे हैं भाई। अच्छा नॉर्थ साइड के समोसे की बात ही कुछ अलग है। पता क्या होता है मुंबई में हर एक चीज में वो पाव घुसेड़ देते हैं। ऐसा विसल पाव, समोसा पाव, समोसे के अंदर पाव, तू खा पाएगा क्या? नहीं, अपनी सबसे फेवरेट, मतलब मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ समोसे, उसमें भी आप पाव लगा के दे दो। व्हाट इज़ अप, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो एंड टुडे, और भैया आज हम आ चुके हैं सबसे ज़्यादा फेमस जगह पे अपने शहर की, होरीलाल के समोसे। मैं एक साल पहले यहाँ पे आया था समोसे खाने, और पता है मुझे सबसे ज़्यादा जो मस्त बात लगती है इस दुकान की वो ये है कि समोसे ज़्यादा चटनी इंटरेस्टिंग है। मैंने इतनी अच्छी चटनी कभी नहीं खाई, और चटनी में मेरे को जो है मीठी चटनी सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब मीठी चटनी, पता नहीं क्या किशमिश, बादाम, काजू सब कुछ पड़ा हुआ होता है, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और लेकिन मतलब मेरे हरी वाली चटनी इसलिए पसंद नहीं क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी होती है, बस यहाँ की चटनी का थोड़ा सा कुछ अलग रोल है। यहाँ की चटनी में रेशे से वो निकले हुए होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सही लगता है खाने में। मेरा नाम दीपक कुमार है और ये शॉप फड़ियाई बाज़ार में है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आइए और टेस्ट करिए एक बार, मौका दीजिए। जो 47 ईयर से हम जो मेरे पापा ने हार्डवर्क करा है उस काम को मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ और आप लोग इस जर्नी का पार्ट बने। तो मतलब ये मेरे पापा ने शॉप स्टार्ट करी है 1947 में, उन्होंने मतलब एक ठेले से शुरुआत करी थी और काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है उनकी, और आज मतलब हम यहाँ पर हैं। तो मतलब ये सब उन्हीं की वजह से है, ही उन्होंने स्टार्ट करा था 1947 में, तो अराउंड 47 ईयर्स हो चुके हैं हमें। मतलब पापा का जो नाम है होरीलाल, उसी नाम से ये दुकान है और उसी नाम से हम फेमस भी हैं। तो मतलब और मेनली मतलब उनका जो फोकस रहा है वो ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट चेंज करे हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ वो स्टिक रहे हैं, और दो प्रोडक्ट उन्होंने मतलब स्टार्ट किए थे और आज भी वही हम उसी चीज़ को बना रहे हैं। और सेकंड जो है वो मतलब ये कि हम प्योरिटी में बिलीव करते हैं, सिंपल सोवर इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार्केट से कोई चीज़ डायरेक्टली, मोस्टली क्या होता है कि मार्केट से जैसे मसाले हैं तो वो हम खुद अपने बनाते हैं, मसाले ले लिए घर पर कुटवाना, और जो चटनी है मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म और सिंपल फॉर्म में रखा है अभी तक। मतलब टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे हम जुड़ रहे हैं, पर मतलब अभी तक कन्वेंशनल जितने भी तरीके होते हैं उन तरीके से हम काम कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है जो हमने मार्केट के अंदर आके शूट किया है, इससे पहले तो हमने मार्केट के अंदर आके कभी वीडियो शूट नहीं किया है। और ये थोड़ा सा यार पहले तो थोड़ी शर्म आ रही थी, जब पहले में जब मैंने बिल्कुल कैमरे के आगे बोलना शुरू किया मैं पूरा ऐसे गर्म हो गया भाई, वैसे डर लगने लगा बहुत ज़्यादा। भैया के समोसे तो अच्छे हैं, भैया भी इतने ज़्यादा जेन्युइन है ना, मतलब अगर आप इनसे बात करोगे आपको इतना तो मज़ा आएगा ना इनसे बात करने में, बहुत ही सही है यार यहाँ का। हाँ, इन्होंने पूरा माहौल बना रखा है। अब ये वाले भैया यहाँ पे समोसे खा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं भैया समोसे? बढ़िया भैया। और कब से खा रहे हो यहाँ पे समोसे? चार पाँच साल हो गए ना समोसे खाते खाते, और तब से कोई टेस्ट में बदलाव? लेकिन आज तुम पकौड़ी खा रहे हो, चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ? अच्छा समोसे खा लिए इन्होंने ना। अभी जैसे ये वीडियो शूट हो रहा है मैं समोसे खा रहा हूँ इस तरह से ये, और घर पे किस तरह समोसे खाए जाते हैं? घर पे समोसा आता है, उसका ऊपर वाला जो हार्ड वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो ट्राइंगल वाला शेप होता है, वो पूरा पूरा बुरी तरह से पूरी चम्मच गड़ा के खा लिया जाता है भाई साहब। यहाँ पे पूरा सोफिस्टिकेशन होता था, जब मम्मी हमारी एक दुकान, हमारी गली में एक दुकान खुली होती उस टाइम पे समोसे की, तो वो वाले अंकल भी बहुत अच्छे समोसे बनाते थे। तो मेरे साथ तो ये रहता कि बहुत सारे, जब भी मैं 5-10 रुपये के मतलब 5 रुपये के उस टाइम पे एक समोसा था, तो अब तो महंगा हो गया है, तो एक समोसा खाने के बाद, दो समोसा खाने के बाद मैं पानी नहीं पिया करता था, क्या ताकि वो जो समोसे का टेस्ट है जो बिल्ट हुआ है वो ख़राब ना हो जाए कहीं। मेरे लिए समोसा उस लेवल पे है। और फिर उसके बाद मैंने इतने अच्छे समोसे यहाँ डिस्कवर किए, और ये बहुत ही ज़्यादा सही है यार, बहुत ज़्यादा टेस्टी समोसे हैं। और क्या बोलूँ,
लाइक मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक फूड ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा लोग, मतलब मुझे भी फूड ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा बनती है, सबसे ज़्यादा बनती है फूड ब्लॉगिंग शुभम को। लाइक शुभम को मतलब फूड ब्लॉगिंग करनी थी, सब फूड ब्लॉगिंग करनी थी, मेरा आइडिया चुराया था ना। हाँ, मैंने इसका आइडिया चुरा लिया है, मतलब फूड ब्लॉगिंग करनी इसे थी, लेकिन कर मैं रहा हूँ। लाइक इसकी वजह से जो भी होता है सब पॉसिबल होता है यार, यही सपोर्ट करता है, इसी का फ़ोन रहता है, इसी का कैमरा रहता है, इसी का वीडियो, सारे इक्विपमेंट इसी के रहते हैं। मैं कोई आइडिया फेंकता हूँ, ये उसमें कुछ एडिटिंग वेडिटिंग कर करा के कुछ बताता है उसमें कि तू इससे ये कर ले, इससे ये कर ले, और फिर हम फाइनलाइज करते हैं और हम फिर वीडियो शूट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच शुभम भैया। और लाइक पैसे इसके दे दिए जाएंगे। और एक मेन बात, इसका एक चैनल है एस्थेटिक नर्ड, वैसे तो ये मेरे साथ समोसे खा रहा है, लेकिन वहाँ पे ही फिट रहना सिखाता है कि आप किस तरह से फिट रह सकते हो। तो जाओ सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे स्क्रीन पे भी कहीं बन के आ जाएगा, तो चेक दिस आउट।